लगाए जाने चाहिए, लेकिन रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास उन परिवारों का जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होगी, वो तो मात्र मतलब कुछ लाख रुपए का ही सवाल है। जहाँ पे इतने बड़े बड़े घोटाले और सब कुछ होते रहते हैं, वहाँ पे 1993 से सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह रखा है कि पुनर्वास आप करेंगे, और आज तक उस पुनर्वास के सवाल पर मतलब जो केंद्र जो है वो कहता है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं, राज्य कहता हमारी जिम्मेवारी नहीं, और हम उन केसेस को लेके जंतर मंतर पे जन सुनवाई, मुख्यमंत्री सेंटर का जो गृह मंत्री कहाँ नहीं गए, मतलब हमने सब कुछ किया, लेकिन वो परिवार जो है आज भी निरी बिल्कुल असहाय है। उस तरह से ये अकाउंटेबिलिटी फिर किस तरह से फिक्स की जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है 2 रुपए किलो अनाज हमारे हरियाणा में मतलब किसान इतना पैदा करते हैं और हमने पेरा कितनी मुश्किल से दाने मतलब घर आवे है कति मतलब तांबा जिसे मुँह हो जाए जो उस नाज में घर ले आओ उनके, और वो जो नाज है जब सड़का का किनारा मतलब सड़ता दिख है और लोगों के मुँह पिचके दिखा मतलब ऐसी भूख में, तो उस समय पे जब हम ये कहते हैं कि आप इसको क्यों नहीं बांट देते गरीबों के अंदर, जब आपका दौरा धरण की भी जगह नहीं रही, इतना पैदा कर दिया किसानों ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप उसको बांट दीजिए गरीबों के अंदर अगर आपके पास रखने की जगह नहीं है तो, लेकिन उस उनकी भी परवाह नहीं उन चीज़ों की। तो ये जो इस तरह की मतलब लैक ऑफ जो DRG कह रहे थे कि संवेदनशीलता और जिम्मेवारी के प्रति जो है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी का जो सवाल है स्टेट का भी और कम्युनिटी की लीडरशिप का भी, इनके ऊपर किस तरह से और ज़्यादा तीखे तरीके से हस्तक्षेप किया जा सकता है, जिसकी सख्त ज़रूरत है हरियाणा में थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ने के लिए। इसके ऊपर भी मतलब निखिल जो है वो थोड़ा रखेंगे इन चीज़ों पर, और एक बार फिर इंसाफ सोसाइटी के उद्घाटन का हरियाणा में बहुत दिल से स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय जनता, जय संघर्ष।